नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती टाइम्स और कॉरिडोर्स। मैं हूँ आपके साथ पारिजात। ये हमारा आज का एपिसोड है क्रिकेट के नाम। इस कार्यक्रम का नाम है क्रिकेट वार्ता। हमारे साथ हमारे क्रिकेट विशेषज्ञ प्रशांत भारद्वाज हैं। प्रशांत जी, मैं जो आपसे प्रश्न करने जा रहा हूँ, भारत के इस विश्व कप के सफर का, उससे पहले दो लाइनें जरूर कहना चाहूँगा कि भारत का ये विश्व कप का सफर शुरू नहीं हुआ 30 मई को, शुरू हुआ है कल, क्योंकि असली मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ था, जो पिछली बार के विश्व चैंपियन है। जो 30 मई को मुकाबला हुआ था वो उस टीम से हुआ था जो पहले ही दो मैच हार चुकी थी, मनोबल उनका गिरा हुआ था और उन्होंने आसानी से मैदान में घुटने टेक दिए भारत के खिलाफ। भारत ने एक समझदार खेल खेला, लेकिन कल जो मैच था जिसमें भारत ने 353 रन बनाए, ये कमाल की बात थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहां पे था वो टर्निंग पॉइंट कल, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने फिर घुटने टेक दिए? देखिए, मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट मैं तो यही कहूंगा कि जब इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग का डिसीजन लिया, सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे मेन जो मैच का एडवांटेज इंडिया को वहीं पे मिल गई थी, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि इसमें टॉस जीत के अगर आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो बाद में पिच जो है बहुत स्लो हो जाती है, और जब बाद में स्लो हो जाती है और इतना बड़ा टारगेट आप सेट कर देते हैं 352 रन, मतलब बहुत बड़ा टारगेट है, तो उस हिसाब से इंडिया ने एडवांटेज वहीं पे ले लिया था जी। बैटिंग पहले टॉस जीत के और पहले बैटिंग करना, वो बहुत बड़ा एडवांटेज था जी। एक चीज़ और बहुत खास थी, बिल्कुल मैं आपकी बात से, तो टर्निंग पॉइंट वही था जब टॉस जीता और बैटिंग ली, जो कि उनके लिए मुश्किल हो गया चेस करना, क्योंकि वर्ल्ड कप था और उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी और उम्मीदों का भी दबाव था। भारतीय बल्लेबाजों ने सफल प्रदर्शन किया, कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था कल जिसके प्रदर्शन से किसी को कोई नाउम्मीदगी हो सकती थी। शुरू कीजिए आप रोहित और शिखर से, अंत तक केएल राहुल तक। रोहित शर्मा ने पहले ही मैच से मतलब इतनी अच्छी बैटिंग की है, फर्स्ट मैच में ही पूरा फॉर्म में आ गया वर्ल्ड कप में, और उसी से स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप मैच में जा रहे हो, आपके ओपनर्स कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर ओपनर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर बाद वाले प्लेयर्स पर प्रेशर नहीं रहता कोई भी। अब इंडिया के दोनों ओपनर्स ने, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई जब फास्ट बॉलिंग थी, स्टार्क और कमिंग्स बॉलिंग कर रहे थे तो उस टाइम पर बहुत टफ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस इनिशियल पीरियड को छोड़ के बाद में अच्छी बल्लेबाजी की और फ्लो में लगे। उसके बाद एक बार फिर विराट कोहली आए तो उसके बाद फिर तेजी से रन बनाए, और हार्दिक पांड्या वगैरह सब ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत शानदार खेले। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं कहूँगा कि जीत का दूसरा विषय भारत की तरफ से भारतीय बल्लेबाजी का सफल प्रदर्शन था। जैसे कि आपने बताया, शुरू में उन्होंने समझदारी दिखाई, कमिंस ने और स्टार्क ने बॉलिंग से उनको दबाव बनाने की कोशिश की, उस दबाव में वो नहीं आए, उन्होंने सहजता के साथ खेला और बाद में तेजी से रन बटोरे, ये एक अच्छी बात है। भारत, आपने बहुत अच्छी बात की, अगर ओपनर्स चल जाते हैं तो जीत ऑलमोस्ट आधा आपके हिस्से में आ जाता है। फिर अब हम बात करते हैं, 353 रन बनाए, बहुत अच्छे बनाए, विराट ने अच्छा बनाया और गब्बर का तो शतक, गब्बर वाला शतक था, बहुत शानदार और जानदार। तो दूसरी इनिंग जब शुरू हुई यानी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पे, तो आपको क्या उस समय लग रहा था, हिंदुस्तान के दर्शकों को, ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को, दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को क्या ये लग रहा था कि ये 353 रन चेस कर सकते हैं? देखिए, अगर आप क्रिकेट की बेसिक नॉलेज रखते हैं तो इतना तो आइडिया हो ही जाता है कि क्या होने वाला मैच में, क्योंकि इतने साल हो गए, मतलब बचपन से ही हम लोग क्रिकेट ही फॉलो करते हुए देखते हुए, तो मुझे तो कभी भी उम्मीद नहीं थी कि 353 रन बन जाएंगे। हालांकि आज के टाइम में होता है कि मतलब इस तरह से स्कोर चेज हो जाते हैं, बट जिस टाइप का इंडियन टीम का बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस टीम है, इंडिया के पास फास्ट बॉलर हैं बुमराह, भुवनेश्वर जैसे, उसके बाद कुलदीप, चहल, इतने अच्छे बॉलर्स हैं, पूरा मतलब बैलेंस टीम है। तो आप, अब लोग कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, मैं मानता हूँ इंग्लैंड की टीम स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या, इंडिया की टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है, और जो टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है उसके पास वर्ल्ड कप जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रांग टीम इंडिया, उसके बाद इंग्लैंड है, अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में जी। यहाँ आपने दो बातें कही, पहली बात कि आपने तीसरा मंत्र भी बताया जो भारत की जीत की वजह बना, वो था भारत की टीम का बैलेंस, बहुत बैलेंस टीम है। और दूसरी बात जो आपने मेरी बात का जवाब दिया कि 353 रन की उम्मीद थी लोगों के, ये चेस कर सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम के
गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं नहीं दिया। अब शुरू से ही देखिए ना, जब बैटिंग करने आए वो लोग तो 4 साढ़े 4 का रन रेट चल रहा था, उसके बाद वो कैचअप ही कर रहे थे रन रेट के साथ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये लगाओ कि कंट्रोल में है वो टीम, कभी भी ऐसा नहीं लगा। बार बार थोड़े रन्स बन रहे, हिटिंग कर रहे, लेकिन फिर वहीं पर आ जाते। वो स्कोरिंग रेट इतना ज़्यादा था रन रेट कि वो कभी उस तक पहुँच ही नहीं पाए। एंड तक भी आखिरी 10 ओवर में अगर आप कहते हैं 110-120 रन बनाना कोई मजाक बात नहीं है, तो आराम से इंडियन टीम का तो जीतना तय ही था वहाँ पे। नहीं, भारतीय टीम ने भी आखिरी के 15 ओवर में बहुत जोरदार रन बनाए, लेकिन वो इसलिए नहीं मान सके ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके पुछल्ले बल्लेबाज उस समय मैदान में थे और पिच स्लो होती गई, स्लो थी, उनके पास विकेट भी नहीं थे। जितना मैच आगे बढ़ता गया बहुत स्लो हो गई पिच, और उसके बाद फिर इंडियन टीम एक बार अगर टॉप पे चली गई तो फिर उसके बाद तो आप पिच को भी वजह मानते हैं? वो तो बहुत बड़ा फैक्टर है पिच का, तो क्योंकि टॉस जीत के जो भी आप देखे ये सारे मैच जितने मैच हुए हैं इनमें सब में टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है टीम, इसीलिए कर रही है। और मोस्टली यही हो रहा है कि 300 रन बन गए लेकिन वो चेज नहीं हो पा रहे। जी जी, तो सबसे बड़ा रीजन इसका यही है। जी, तो अब अगला जो मैच है सबसे तूफानी मैच है, 16 तारीख को, 16 जून को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, और मजे की बात उस दिन फादर्स डे भी है और हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान बना है, पिता कौन है और पुत्र कौन है दुनिया जानती है। खैर, मेरा यह कहना है कि क्या उस मैच से हम लोग ये उम्मीद लगाएं कि भारत जीतेगी, और अगर वो मैच भारत जीत जाएगी तो हम ये मान सकते हैं ना कि हम विश्व कप जीत सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान से जीत जाएगी तो वो विश्व कप जीतने के बराबर वो खुशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर ये कहें कि पाकिस्तान से जीतने के बाद ये उम्मीद हो कि भाई वर्ल्ड कप जीत जाए, तो पाकिस्तान तो बहुत उतनी स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान का नेचर ऐसा है कि बहुत बोलते हैं ना मर्क्यूरियल टीम है, एक दिन वो छोटी सी टीम से, एक दिन वेस्ट इंडीज से हार गई, दूसरे दिन इंग्लैंड को उसने हरा दिया। पाकिस्तान का नेचर कुछ इस टाइप का कि उसका पता नहीं चलता कौन से दिन पे कौन सी पाकिस्तान टीम खेलने लगी। नहीं, उसकी एक वजह यह भी कि हिंदुस्तान के सामने जब वो होते तो और ज्यादा घातक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग किस्म की दुश्मनी और जुनून, दुश्मनी मैं पॉजिटिव मैनर में कह रहा हूँ, मैदान के अंदर जो एक राइवलरी है उसकी बात मैंने कही, वो हिंदुस्तान के सामने हो जाती है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता है। जैसा कि आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार जब इंडिया आई वर्ल्ड कप में आई इंग्लैंड, तो गोली मोली नाम की एक जगह यूरोप में, वहां से होकर के आई, और आज से 18 साल पहले 2001 में जब वर्ल्ड कप था वो जब जीती थी ऑस्ट्रेलिया, उस समय वो उनके कप्तान थे माकुआ के भाई स्टीव वॉ, तो गोली मोली नामक जगह से होकर के अपनी टीम को लेकर के वो वहां उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था। उसकी वजह है कि वहां पे उन्होंने बताया जाकर के देख लीजिए ये जगह है जहां पे 1500 ऑस्ट्रेलियंस को इंग्लैंड के सैनिकों ने मारा था, मत भूलिएगा इस बात को। और उसके बाद जब वो मैदान में उतरे तो उन्हें वो घातक प्रदर्शन किया, क्योंकि अंदर एक अलग किस्म का जुनून भी था, वो बात उनके दिमाग में थी कि हाँ इन लोगों को नहीं माफ करना है। तो इस बार भी यही हुआ है, फिंच उन लोगों को गोली मोली लेकर के गए और वहां से इंग्लैंड पहुंचे हैं, तो उस इंग्लैंड की टीम को हमने तो हरा दिया, लेकिन शायद उस ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमने, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड से खेलेगी आप उस बात का असर देख पाएंगे, ये हमारे और 16 जून को पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच में भी नजर आएगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ है कि बड़े मुकाबले में हिंदुस्तान ही जीतता है। आपका क्या कहना है इस पर? तो सबसे पुरानी राइवलरी है क्रिकेट की, सबसे पुरानी, और उसकी मतलब वैल्यू अगर इमोशनली देखा जाए उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। अब इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो सबसे ऊपर है, वो मेरे ख्याल से एशेज से भी ऊपर आती है, जिस तरह का इलेक्ट्रिफाइंग एनवायरनमेंट रहता है, लोग देखने के लिए पागल होते हैं, और आपने देखा भी है कि जब हारते हैं तो रोते हैं, टीवी टूटते हैं घरों में, कितना बुरा हाल हो जाता है, तो वो चीज़ इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा है। एशेज भी शायद उसके आगे कुछ नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान का, और मैं ख्याल से सारी दुनिया इस बात की गवाह होती है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान मैदान में एक दूसरे के सामने होते हैं, तब लगता है कि ये क्रिकेट नहीं ये जंग है, एक अलग ही है क्रिकेट के मैदान, अलग इलेक्ट्रिफाइंग एनवायरनमेंट होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो अगला मैच अगर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान जीत लेता है तो हिंदुस्तान वालों के लिए तो विश्व कप आ चुका होगा इस देश के पास में, इस देश के हाथों में, लेकिन उसके बाद भी हमारा सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद आत्मविश्वास इतना प्रबल हमारा हो जाएगा, हमारी टीम का हो जाएगा कि विश्व कप के अगले मुकाबले हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होंगे। इसी बात के साथ हम आपसे अनुमति लेंगे, लेकिन 16 जून के पहले, उस महामुकाबले के दिन के एक दिन पहले, फिर हम प्रशांत भारद्वाज जी के साथ क्रिकेट वार्ता लेकर आपके सामने होंगे, फिर हमारा विषय होगा क्रिकेट पाकिस्तान के साथ
भारत की तरफ। अभी हम लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, जय हिंद।